थाना दौता के सेगा जगतपुर गांव के रहने वाले थे रामपाल, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जैसलमेर में तैनात थे। आरोप ये था कि ये 29/3 को अपने घर आए थे और फिर 30/3 को इनके बेटे का कहना था कि वो उन्हें हापुड़ में छोड़ आया था बाबूगढ़ चौराहे पे, और लेकिन न तो वो अपने कार्यस्थल पर पहुँचे, न ही उनके बारे में कुछ पता चला। इनके जो पड़ोसी इनके चाचा आदि थे, उन्हें एक आशंका थी कि उनके ही बच्चों द्वारा, दो बेटे हैं, उनकी संभवतः हत्या कर दी गई हो और ये बच्चे छुपा रहे हैं तथ्य को। लेकिन छानबीन शुरुआती जो हुई उसमें प्रथम दृष्टया बेटों का कोई रोल नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके परिवार के लोग, माने जो रामपाल हेड कांस्टेबल थे, उनके भाई और अन्य लोग गांव के मिले, उन्होंने भी एक आशंका जाहिर की। इसके बाद मेरे द्वारा स्वाट टीम को विशेष रूप से इस कार्य में लगाया गया कि बहुत गहराई से सर्विलांस की मदद से पूरे प्रकरण की छानबीन की जाए और रामपाल के बारे में पता किया जाए कि वो स्वतः लापता हुए हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा या दुर्घटना या आपराधिक कृत्य किया गया। मात्र 24 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने बहुत गहराई से जांच करते हुए अभियोग का अनावरण किया। जो बात निकल के आई उसमें ये रामपाल हेड कांस्टेबल, जिनकी हत्या हो चुकी है 30/3 की रात में, जिनके बेटे के द्वारा 26 मई को उस घटना के लगभग 2 महीने से अधिक समय के बाद एक गुमशुदगी उनकी थाने पे केसबंदी में लिखाई गई थी, उनके बारे में पता ये चला कि उनके दो बेटे हैं, पत्नी की मौत हो गई है, बड़े बेटे की पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के दोनों भाई, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनके बीच में पिता के प्रति एक आक्रोश था, एक घृणा की भावना थी, और इसी भावना के बीच में 29/3 की रात को जब वो घर में आए तो काफ़ी शराब पी रखी थी और इन दोनों भाइयों ने बलकटी से उनके गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव के ही अपने एक तीसरे सहयोगी प्रशांत को साथ में लिए और मोटरसाइकिल पर बोरी में इनको भर करके ले गए अपने ट्यूबवेल पे, सूखा कुआं था वहाँ जिसमें से बोरिंग निकल चुकी थी उसमें डाल दिया। बाद में उसमें 3 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी डलवा दी थी ताकि किसी तरह की स्मेल न आए, तो रात में ही वो खुदाई करा करके शव को बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनका एक बेटा जो अभियुक्त है, हिमांशु नाम है, गिरफ्तार है। दूसरा अभियुक्त जो इसमें प्रशांत था, जो गांव का इनका सहयोगी मित्र था, शव को ले जाने में जिसकी भूमिका थी, वो 8/10 को एक तमंचे में गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तमंचे के साथ देखा गया था, उस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी और तमंचा बरामद किया गया था। इसका घटना का तीसरा अभियुक्त जो मृतक का स्वयं का बड़ा बेटा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।